कंप्यूटर तो मैंने ले लिया, अब मॉनिटर लूं या एक बड़ा सा टीवी? किसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, एक 40 इंच का टीवी या एक 20 इंच का मॉनिटर? क्या मेरा काम 21 इंच के मॉनिटर पे हो पाएगा? मुझको कौन सी स्क्रीन लेनी चाहिए, 21 इंच का मॉनिटर या 40 इंच का टीवी? आखिर क्या फ़र्क है इन दोनों स्क्रीन्स में? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। सो नमस्कार व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक मॉनिटर और एक टीवी के बीच के डिफरेंस का। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम इन दोनों की प्राइसिंग के बारे में। अगर आज के मार्केट में आप एक एलईडी मॉनिटर लेने जाते हो या एलसीडी मॉनिटर 20 से 22 इंच का लेने जाते हो तो अराउंड अराउंड 15,000 रुपये तक का आपको मिल जाता है। वहीं लेकिन अगर आप एक एलईडी टीवी लेना चाहते हो, अगर आपको एक स्मार्ट टीवी लेना है 40 इंच का, तो वो अराउंड 20,000 का आता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले मॉनिटर जो है वो बनाया गया है कंप्यूटर के लिए, मतलब मॉनिटर को हम पास में से देख सकते हैं। अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे भी बैठूँ तो मैं आराम से मॉनिटर को बिना आंखों पे स्ट्रेन डाले देख सकता हूँ। अगर मैं इस तरीके से भी देखूँ तो काम मेरा बन सकता है, मैं आराम से 4 घंटा 5 घंटा देख सकता हूँ। लेकिन वही मैं टीवी की बात करूँ तो हर एक टीवी के साइज का आपके पास एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होता है, जिसकी जिस डिस्टेंस पे आपको उसको देखना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं अब हम व्यूइंग डिस्टेंस के बारे में। तो अगर हम मॉनिटर का व्यूइंग डिस्टेंस देखें तो वो अराउंड अराउंड 2 फीट तक होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ इस समय मैं अराउंड 2.5 फीट की दूरी पे मॉनिटर से बैठा हूँ। यहाँ से मैं मॉनिटर की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी लग रही है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ टीवी की, तो टीवी से इस समय मैं 5 फीट की दूरी पर हूँ। लेकिन अगर मैं टीवी की स्क्रीन पे देखता हूँ तो मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अब बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। अगर मैं मॉनिटर में गेम करना चाहूँ और मैं मॉनिटर में इस तरीके से घुस के गेम खेलना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा रूम है। अगर यही काम मैं टीवी में करना चाहूँ तो ये काम मैं टीवी में नहीं कर सकता, क्योंकि टीवी में जो एलईडीज हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, और अगर मैं थोड़ी देर भी उसके पास जाके देखूंगा तो मेरी आंखों पर बहुत स्ट्रेन डालेगा। लेकिन वहीं अगर मैं मॉनिटर में इस तरीके से देखता हूँ तो मेरे को काफ़ी हद तक टीवी के मुकाबले में कम स्ट्रेन पड़ेगा आंखों पर। अब आप देखें तो आपको स्क्रीन पे ब्लू कलर का शेड दिख रहा है, वहीं टीवी की स्क्रीन पे आपको एक पर्पल कलर का शेड दिख रहा है। यही बात होती है कलर एक्यूरेसी की, जहां पे मॉनिटर टीवी से आगे निकल जाता है। अगर आप कलर एक्यूरेसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते तो मैं कहूँगा कि आपको एक टीवी लेना चाहिए, क्योंकि टीवी में जो आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको एक मॉनिटर नहीं दे पाता। अब हम बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में। गेमिंग एक्सपीरियंस में मैंने दोनों ही स्क्रीन्स पे वैलोरेंट चलाई है, दोनों स्क्रीन्स में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन जो टीवी की स्क्रीन है वो मेरे को ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। मॉनिटर टीवी से एक स्टेप आगे एक पॉइंट पे निकलता है, जो कि है स्क्रीन का रिफ्रेश रेट। मॉनिटर में आपको 60 FPS से ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन टीवी में आपको आजकल इस बजट पॉइंट पे सिर्फ 60 FPS ही देखने को मिलता है। अब इस पॉइंट पे आप एक स्क्रीन पे डिफरेंस नोटिस करेंगे, जो कि है ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन। अगर आप मॉनिटर पे देखें तो आपको एक मैट कलर की स्क्रीन मिलती है, जिससे कि जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा ब्लर आउट हो जाता है और आपको इतना बॉदर नहीं करता। लेकिन वहीं अगर आप एलईडी टीवी की बात करें तो उस पर आपको एक ग्लॉस मिलता है, ग्लॉस फिनिश मिलता है। उस ग्लॉस फिनिश की वजह से जो आपको रिफ्लेक्शन मिलते हैं वो काफ़ी शार्प मिलते हैं, और हो सकता है कि वो लाइट आपको डिस्टर्ब करे। अब बात कर लेते हैं व्यूइंग एंगल के बारे में। अगर मैं इस मॉनिटर का व्यूइंग एंगल देखूं तो हमको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे आपको रिफ्लेक्शन अच्छी दिखती है। अगर आप इस पॉइंट से अगर आप देखें तो 45 डिग्री के अराउंड पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक मेरे को अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा सा भी आगे जाता हूँ तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमको ज़्यादा दिखने लगते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इस टीवी की, टीवी पे अगर मैं इस तरीके के एंगल लेता हूँ, बियॉन्ड 45 भी अगर मैं देखूं तो काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन जो इसके अंदर रिफ्लेक्शन है वो हमको काफ़ी शार्प दिखती है इन कंपैरिजन टू एलईडी मॉनिटर।
ये शार्प रिफ्लेक्शन हमको इस ग्लॉस फिनिश की वजह से मिलती है, जो कि हमको मॉनिटर में प्रोवाइड नहीं करी जाती, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कंटेंट कंजम्पशन की। अगर मैं दोनों ही स्क्रीन्स का कंपैरिजन कंटेंट कंजम्पशन पे करूं, तो मेरे को ज़्यादा मज़ा टीवी में आता है, क्योंकि टीवी में मेरे को अच्छे कलर, अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। वहीं मैं मॉनिटर को देखूँ अगर कंटेंट कंजम्पशन के लिए, तो इस मॉनिटर में मेरे को थोड़े से डल कलर, थोड़ा सा कम कॉन्ट्रास्ट दिखता है। इससे मेरा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अनऑप्टिमाइज रहता है। अब बात करते हैं किसको कौन सी स्क्रीन लेनी चाहिए। अगर आप एडिटिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो आपको एक मॉनिटर लेना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स गेमर हैं तो आपको एक मॉनिटर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कैजुअल गेमर और एक बहुत ही बेहतरीन इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक टीवी खरीदें। इसी कंपैरिजन से आज के वीडियो में ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।